गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ डॉक्टर रवि जांगिड वेलकम्स यू अगेन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC। भैया वैसे तो आप लोग ये सब कुछ देख ही रहे हो, बट उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग गुरु नीतीज वगैरह जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो स्लैब चल रही है वो भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो उनके सॉल्यूशन हम लोगों ने करवाए वो जरूर देखो। चलो अभी हम लोग जो DTS है उसका एडवांस जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? ओके, ये एक रिएक्शन इस तरीके से हमें दे रखी है। कोई कंपाउंड है C11H22 है, उसका ओजोनोलिसिस किया है, बी बना ये, ओके, फर्दर ऑक्सीडेशन से ये बना दिया, ठीक है। NaOCl मतलब कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इससे ये दे रहा है हमें। AlAlH4 यहीं पे कुछ दे रखा है, H+ ये बना, ओके। यहाँ पे हमें कुछ फायदा मिलेगा, देखो इधर C2H4O, केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका। क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे H, ये CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। दो कार्बन में तो एल्डिहाइड ही बनेगा तुम्हारे पास, ये बनाया। और साथ में इधर चार कार्बन है जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। भैया चार कार्बन जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट दे तुम्हें, वो क्या हो सकता है? यही पॉसिबल है ब्यूटेनॉन, वो तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। चार कार्बन, कार्बोनिल भी होना चाहिए क्योंकि ओजोनोलिसिस से बना है, तो कार्बोनिल भी होना चाहिए और साथ में हमें हेलोफॉर्म टेस्ट भी दे। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके F बना देता हूँ। दो कार्बन इधर है, चार कार्बन इधर है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके बात करूं तो मैं ये बना सकता हूं, ठीक है। डबल बॉन्ड मैंने बना दिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा हीटिंग, H+ हीटिंग के साथ में बना है, तो ऑब्वियसली एल्कीनी बनी होगी हमारे पास में, और DU की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है उसको, C6H12, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं E की, जो मेरे पास में नेक्स्ट है E, इसकी बात करते हैं। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन से ये बना है। तो देखो यहाँ पे मैं एल्कोहल जो है वो क्या क्या ले सकता हूँ जो मेरे काम का है। एक बात तो मैं पॉसिबिलिटी OH यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। दोनों इथाइल इथाइल है, तो दोनों में से मैं किसी भी एक पोजीशन के ऊपर यहाँ पे OH ले सकता हूँ। अगर यहाँ भी लिया होगा तो वो H+ आके फिर माइग्रेट होके स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे एल्किन बन जाएगा मेरे पास। ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ये कह रहा है कि जो मैंने रिडक्शन करवाया है जिस कंपाउंड का, उधर वो NaOCl के साथ में भी रिएक्शन दे रहा है, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। भैया ये तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, दे सकता है। तो अब मेरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे किसका, बी का, वो स्ट्रक्चर क्या होगा? टोटल 6 कार्बन है मेरे पास, मैं बी का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बनाने जा रहा हूं। ये है, इधर डबल बॉन्ड ओ आया होगा मेरे पास, ठीक है, जो कि इधर रिएक्शन दे रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड डी। डी जो कंपाउंड है उसका सोडियम सॉल्ट मुझे यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो जो इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा उसमें जो 5 कार्बन होंगे हमारे पास में, और ये क्या बनेगा यहाँ पे, CO O- Na+, यही बनेगा, ठीक है। एसिड बना दिया मैंने यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट बना दिया एसिड का विद 5 कार्बन। ये मेरे पास में कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डी का स्ट्रक्चर है, मैं इधर भी बना देता हूँ इसको। ये बनाया है हम लोगों ने सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्योंकि यहाँ पे तो OH है तो बना दिया हम लोगों ने इसको। अब देखो हमसे पूछा क्या है, ओके, देखना इधर इसकी रिएक्शन डी की, डी जो मैंने बनाया था उसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ SOCl2 के साथ में, एक्स बना, फिर आगे डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन है H2O Ag2O दे रखा है, प्रोडक्ट वाई इज। देखो भैया मैं इस डी को ध्यान रखता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखो ये चार कार्बन, ये CH, ये हमारा डी स्ट्रक्चर है। मैं इस बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए, ओके। तो मैंने क्या बनाया था स्ट्रक्चर, चार कार्बन थे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास में COOH था, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाऊंगा। SOCl2 के साथ में जब रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास में बन जाएगा COCl।
COCl की रिएक्शन जब डाईएजो मीथेन के साथ में करवा रहे हैं, आगे मुझे वाटर दे रखा है, तो भैया ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या है, आर्नट आइंस्टर्ट रिएक्शन है, जहां पे एक एक्स्ट्रा CH2 जो है हम लोग वो इंसर्ट कर देते हैं। ये CH2 है मेरे पास N, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ। डाईएजो मीथेन का ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस पे अटैक करेगा, ये आके क्लोरीन को बाहर निकालेगा, मतलब मैंने बना दिया C डबल बॉन्ड O और इधर मेरे पास CH2 साथ में N पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये जो डाईएजो मीथेन जो है वो यहीं से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये CH2 नेगेटिव N पॉजिटिव, ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मेरे पास में इधर बन जाएगा CO, इधर CH नेगेटिव, ये N पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, मतलब एक कार्बीन जो है असाइल कार्बीन टाइप का इंटरमीडिएट मेरे पास बन गया CH, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, है ना। और अब ये क्या करेगा, ये वुल्फ रीअरेंजमेंट करेगा, ये पूरा आर ग्रुप यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, मतलब मैं इसको अगर बनाना चाहूँ तो शॉर्ट में ऐसे बना सकता हूँ कि बीच में मेरे पास सी एच है, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और इसके ऊपर जब H2O का एडिशन करवाओगे, H2O का एडिशन करवाओगे तो ये सी एच के ऊपर H जोड़ोगे, इधर C डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मतलब एसिड ही था लेकिन एक कार्बन, एक CH2 जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसे ही हम लोग आर्नट आइंस्टर्ट रिएक्शन कहते हैं भैया। तो देखो मुझसे वाई पूछा है, वाई कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा CH2 के साथ में, आ गई बात समझ में, ठीक है, पूरी मैकेनिज्म बता दी, रिएक्शन का नाम आर्नट आइंस्टर्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके W के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, प्लस H है, अच्छा ये W बना है, फिर H के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा देख लेते हैं भैया। हमारे पास में H जो था वो क्या था, कहाँ पे था, ये था H, ये H था, तो ये हमें पता है, ये तो हम लोगों ने क्या बनाया था, यही तो बनाया था, ब्यूटेनॉन बनाया था, ठीक है, तो H हमें पता चल गया कि ब्यूटेनॉन है। H की रिएक्शन इस W के साथ में करवानी है, मतलब कि विटिग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवानी है, विटिग रिएजेंट के साथ में ये रिएक्शन हम लोग करवाएंगे, PH3, कितने कार्बन है हमारे पास में, यहाँ पे तीन कार्बन है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसी तरीके से ये विटिग रिएजेंट बनाते हो आप, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो सिंपल सा क्या बनाते हैं हम लोग, एक एल्कीन बना देते हैं, एक स्टेबल एल्कीन फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये ओवरऑल मेरे पास में तीन कार्बन होंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है भैया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है, वो पॉसिबल नहीं है, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, विटिग रिएक्शन करवा रखी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, Which of the following is or are the effect of f orbital contraction effect? मतलब lanthanide contraction या f orbital contraction effect, similarity in the size of z or hf, zirconium और hafnium की same size, बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं t जो होता है ti से बड़ा size zr और इन दोनों का size जो होता है वो hf होता है, क्या कहते हैं, due to lanthanide contraction कहते हैं, तो ये बिल्कुल होगा। As well as the atomic number increase, basicity of lanthanide hydroxide decrease. देखो भैया lanthanide के अंदर, lanthanide में क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग lanthanides में आगे बढ़ेंगे हमारे पास में उनकी जो size होगी वो decrease होती जाएगी due to lanthanide contraction. Lanthanide contraction की वजह से lanthanides के अंदर उनकी size decrease होती जाती है, size decrease होती जाएगी तो उनका जो metallic character है वो कम होता जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, कोवेलेंट बढ़ रहा है, कोवेलेंट बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर ऑब्वियसली कम हो रहा है, और ये कम हो रहा है तो मतलब बेसिक जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, बेसिसिटी या बेसिक ऑर्डर जो है वो कम हो रहा है, तो यही हमें बोला है। ओके, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड डिक्रीज, तो किससे रिलेटेड है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है, तो ये भी सही है।
हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच जी एज कम्पेयर टू टी एल. भैया यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इट इज ड्यू टू पेनीट्रेशन इफेक्ट. पेनीट्रेशन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, तो ये अपने पास में रॉन्ग हो गया. अगला, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टी एल एज कम्पेयर टू आई एन. बिल्कुल, हम लोग बोरोन फैमिली में पढ़ते हैं कि यहाँ से जब आई एन से हम लोग टी एल की तरफ मूव करते हैं तो 4F इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इसकी टी एल की ज्यादा हो जाती है अपने पास में. तो ये भी लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड है. तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, 1, 2, 4. आ गई बात समझ में, ये सारे लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रॉपर्टी. देखो ये होता कैसे है, X2 अगर मैं लेता हूँ या हाफ X2 ले लेता हूँ, ये मेरे पास में X माइनस इलेक्ट्रॉन हम लोग देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. ये एक्वस की बात कर रहा है, इस तरीके से अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है. लेकिन इसके लिए आपको पहले डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे ये X में चेंज होगा, और इस X से आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो ये X माइनस में चेंज होगा, और फिर आप लोगों को यहाँ पे H2 देना पड़ेगा जो कि हाइड्रेशन एनर्जी है. तो ये क्या है मेरे पास में, ये रिलीज्ड है, ये रिलीज्ड एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी क्या होगी मेरे पास में, यहाँ पे रिलीज्ड एनर्जी होगी, और ये क्या होगी मेरे पास में, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी होगी. तो देखो भैया, फ्लोरीन की जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्लोरीन से यहाँ पे कम होती है. तो ये हीट ऑफ डिसोसिएशन मेरे पास करेक्ट है बिल्कुल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे रिलीज्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की. तो वो क्लोरीन को फेवर कर रहा है ना कि फ्लोरीन को, तो ये मैं नहीं ले सकता. आयनाइजेशन पोटेंशियल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो ये भी क्या है, उसी को फेवर कर रहा है. तो मेरे पास क्या होगा, ए एंड डी आंसर इसका हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जहां पे हमारे पास में मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकते हैं. देखो क्या बोल रहा है वो, एल्कली मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स MX, द एंथैल्पी डेल्टा H विल डिपेंड ऑन. अगर चार धातु हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो इनकी एंथैल्पी होगी वो किस किस पर निर्भर करेगी. भैया लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन ये बॉन्ड हैवर साइकिल का, कि हम लोग जो भी एल्कली मेटल लेते हैं, जैसे मैंने M लिया, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, X2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है. हम लोगों को ये MX बनाना है, ये डेल्टा HF जो होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है. तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में जो मेटल होता है वो सॉलिड होता है, उसे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. वो मेटल गैसियस में जाएगा, ये मेटल जो गैसियस में जाएगा इससे हम लोग इसका आयन बनाएंगे, गैसियस आयन. इधर मुझे इसे डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जो डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये मेरे पास में एक्स बनेगा. इसे मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूंगा, ईजी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये मेरे पास में एक्स माइनस बनेगा गैसियस स्टेट में. अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, साथ में लैटिस एनर्जी यू जो हम लोग कहते हैं वो बाहर निकलेगी. तो इस तरीके से ये बनेगा. तो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी पे, बिल्कुल ये मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है, इस पे डिपेंड करेगा. दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल भैया यहाँ भी ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, नहीं, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यहाँ पे मुझे कोई लेना देना नहीं है. अगला कह रहा है साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन. देखो भैया जो लैटिस एनर्जी है हमारे पास में वो बिल्कुल हमारे पास साइज ऑफ कैटायन और एनायन या फिर उनके चार्ज उन पे बिल्कुल लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है. तो मेरे पास में फोर्थ आंसर भी हो जाएगा. तो आंसर क्या हुआ इसका, 1, 2 and 4. ठीक है, चले हम लोग आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. कुछ कंपाउंड दे रखे हैं मुझे और उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है. देखो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेंट रूल के बारे में बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेंट रूल पे ही डिपेंडेंट है. हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसमें लेस परसेंट एस कैरेक्टर होता है, या फिर मोर अगर एस कम हो गए तो पी कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो लेस परसेंट एस कैरेक्टर या फिर मोर परसेंट पी कैरेक्टर. हम लोगों को पता है कि S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, या फिर S कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर मैं परसेंट P कैरेक्टर की बात करूं तो ये हम लोग काम में लेते हैं फॉर बॉन्ड लेंथ.
कि पी कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों को क्या दे रखा है, सी ओ सी एल टू दे रखा है और सी ओ एफ टू दे रखा है। यहां पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है मेरे पास, फ्लोरीन है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और परसेंट एस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा है बॉन्ड एंगल भी उसी का ज्यादा, तो मतलब COCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, हमें भी यही कह रहा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है हमें, NO2F और NO2Cl। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। ये ना डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं, ये फ्लोरीन और एक मुझे बोल रहा है NO2Cl। सेम इसी तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ये क्लोरीन हो गया। मुझे ONO बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है लेकिन एलिमेंट मुझे यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन जो है ये है, तो यहाँ पे लेस परसेंट एस कैरेक्टर होगा। और अगर यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा, मोर परसेंट एस कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इधर कम है तो मतलब इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मोर परसेंट एस कैरेक्टर है उसके कंपैरिजन, तो मतलब बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो गया भैया, इसी का NO2F का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल मुझे सही दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग SO2F2, SO2F2 और SOF2 दे रखा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, SO2 यहाँ पे ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये SO2F2 बनाया मैंने और इधर मैंने बना दिया SOF2, यहाँ पे मेरे पास में लॉन्ग पेयर है और मुझसे FSF का बॉन्ड एंगल पूछा है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, उसका रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होता है। उसका रिपल्शन ज्यादा होगा तो जो फ्लोरीन SFS जो बॉन्ड एंगल है वो SO2F2 में ज्यादा होगा, SO2 SOF2 के कंपेयर में बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा मेरे पास में। ठीक है, बैंड रूल से भी कर सकते हैं हम लोग रिपल्शन भी देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है उसका रिपल्शन लॉन पेयर से ज्यादा होगा, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये मुझे गलत दे रखे हैं भैया। अगला देखता हूं मैं N2F2 किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे इसके ऊपर एक एक लॉन पेयर है और एक मुझे दे रखा है N2CH3 का होल थ्राइस। यहाँ भी उसी तरीके से कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब लेस परसेंट एस कैरेक्टर, या फिर मैं क्या कह दूं यहाँ पे मोर परसेंट पी कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मोर परसेंट पी कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस परसेंट पी कैरेक्टर। अगर पी कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम हो गया, और यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों के कंपैरिजन मोर परसेंट पी कैरेक्टर हो गया। जहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा है बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा, तो मेरे पास में इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रही है, हमें भी यही दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या क्या हो गया, 1, 2, 4 मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2-phenyl-2-propanol कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विच ऑफ दीज कंपाउंड विद MeMgBr4 followed by hydrolysis। देखो भैया क्या बनाना है मुझे, 2-phenyl-propanol-2 बनाना है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिनाइल है, ये कंपाउंड मुझे सिंथेसाइज करना है, तो मैं किस किस के साथ में रिएक्शन करके इस कंपाउंड को बना सकता हूँ। CH3MgBr मुझे दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे MeMgBr लूँ तब तो यहाँ पे फिनाइल तो है ही नहीं मेरे पास, मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहा हूँ, CH3MgBr के साथ में। मैं कितना ही एक्सेस ले लूँ, मेरे पास में यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बनेगा जिसपे 3 CH3 लगे हुए होंगे, तो ये नहीं बन सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगला यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ CH3MgBr से तो बिल्कुल ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे OH बन जाएगा, डिजायर्ड कंपाउंड मेरे पास में बन जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे पास में सबसे पहले CH3MgBr लूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कीटोन बन जाएगा, एसीटोफिनॉन, और इसके ऊपर फर्दर जब रिएक्शन करवाऊंगा CH3MgBr की तो फिर से मेरे पास में ये कंपाउंड बन जाएगा, मतलब थर्ड कंपाउंड हो सकता है। फोर्थ वाला देखो, यहाँ भी दो बार रिएक्शन होगी, पहले CH3MgBr जो हम लोग लेंगे उसमें ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये इधर इस पूरे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, मतलब वही एसीटोफिनोन बनेगा
फिर से रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। तो कहां कहां पे बन रहा है मेरे पास में, डिजायर्ड सेकंड में बन रहा है, थर्ड में बन रहा है, फोर्थ में बन रहा है, ठीक है। चले हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच आर इंटरकन्वर्टेबल इन बेसिक मीडियम। भैया बायोमॉलिक्यूल की एक रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में इक्विलिब्रियम रहता है। देखो कैसे, मैं कि यहां से किसी भी एक कंपाउंड को ले लेता हूं, मैं जो है नॉर्मली इसे देख लेता हूं, ठीक है। बाकी का मैं केवल यहीं तक देख रहा हूं, दो कार्बन तक, बाकी का नीचे का जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है वो चेंज हो रखा है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, H ले रहा हूं, यहाँ पे OH है, ये C डबल बॉन्ड O है। देखो भैया बेसिक मीडियम दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग इसको इनोलाइज करवा सकते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन OH। आप चाहो तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल कर भी करवा सकते हो, और वैसे भी अगर टॉटोमराइजेशन करवाए हम लोग तो हमें क्या चाहिए, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम चाहिए, कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए जो आपको दे रखा है। तो मैंने क्या करवाया, मैंने यहाँ पे इसका इनोलाइजेशन करवा दिया, नीचे का पोर्शन पूरा सेम है। अब जब इस इनोल से आप दो काम करवा सकते हो, एक तो आप इधर इसको ले आए डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इसके पास में चला गया, मतलब इधर क्या आ गया सेकंड कार्बन, कार्बन के ऊपर कीटोन आ गया जो कि ये दे रखा है आपको। और क्या बना सकते हो आप इससे, आप अगर सेकंड वाले को इनोलाइज नहीं करवाना चाहते, आप नीचे से इनोलाइजेशन करवाना चाहते हो, मतलब ये आपको दे रखा है, आप चाहते हो कि आप इसको इनोलाइज कराओ, वापस आप इसको लेकर आओ। तो जब आप इसको वापस लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा वो इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है। अभी जब प्लेनर है, वापस इसको कायरल सेंटर बनाओगे तो भैया हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ बराबर पॉसिबिलिटी होगी कि इधर भी आ सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। तो दोनों मेरे पास में बन जाएंगे कि एच इस तरफ भी हो सकता है, एच इस तरफ भी हो सकता है। तो ये जो तीनों है ये बेसिक मीडियम में मेरे पास में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, नीचे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है वो अलग बना रखा है तो वो नहीं होगा, ये तीनों मेरे पास में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये सारा आपके साथ टीसी गुप्ता सर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है ये, क्या बोल रखा है हमें, पहला अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी मेटल्स हैव हायर स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देन देयर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी का चाहिए किसके कंपैरिजन, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्या क्या दे रखा है, टीवी टाइटेनियम दे रखा है, वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज एफई कोबाल्ट दे रखा है। भैया ये सिंपल सा है कि एम प्लस टू एम प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और वो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इन तीन मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। किस किस के लिए, Mn के लिए, Fe के लिए, Cu के लिए पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन हो सकती है, वो प्लस टू फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, इनका ये पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब दूसरी चीज सुन लो, इनके लिए पॉजिटिव तो है लेकिन जब हम लोग H2O में बात कर रहे हैं तो ये H2O में Fe प्लस थ्री जो होगा वो इजिली Fe प्लस टू जो होगा वो इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन उसको Fe प्लस थ्री में, क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ये बहुत इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe प्लस थ्री के अंदर। और हमें पता है कि Fe प्लस थ्री इसकी ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू D5 कॉन्फिग्रेशन, ठीक है ना। D5 होता है Fe प्लस टू में, क्या होता है D6 होता है, तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये इजिली Fe प्लस थ्री में चला जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मैं इसलिए Fe को नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि मुझसे वाटर में ही पूछा है, वाटर में Fe प्लस थ्री इसकी ज्यादा स्टेबल होती है। क्या लूंगा मैं, Mn और Cu इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इंटीजर टाइप का पूछा है तो दो मेटल होंगे जिनमें प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर में ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गेट हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, एंड हाइड्रोलाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3d इन द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है भैया देखते हैं। CCl4 इसका तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। दूसरा SiCl4 दे रखा है, जब भी SiCl4 दे रखा है तो बिल्कुल यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर अटैक होगा, और हमेशा अगर हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं sp3, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या बनेगी मेरे पास में, sp3d बनेगी, तभी बन पाएगी, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए जिस एटम के ऊपर हम लोग अटैक करवा रहे हैं, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल काम में आता है इन द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, तभी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो sp3d बनती है।
तो SiCl4 कैसा होता है, sp3 होता है और वेकेंट d ऑर्बिटल है तो काम में आ जाएगा। NCl3 हाइब्रिडाइजेशन तो होता है इसका, लेकिन अटैक कहां पे करवाते हैं हम लोग, नाइट्रोजन पे नहीं करवाते, क्लोरीन पे अटैक करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में तो वेकेंट d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, क्लोरीन के पास में होता है, लेकिन क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है तो हम लोग ये नहीं लेंगे। PCl3 बिल्कुल फास्फोरस के पास में यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल अटैच हो जाएगा, इसको हम लोग ले सकते हैं। सेम ऐसे ही AsCl3 को भी हम लोग ले सकते हैं। SF6 का भैया हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी जो है वहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आने वाले H2O को रिपेल करेगा, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, रिपेल करेगा। P4O6 और P4O10 इसको देख लेते हैं हम लोग कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं तो इजीली हमें पता चल जाएगा। ये फास्फोरस, ये इधर ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन और ये फास्फोरस, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। P4O6 हमें कह रहा है तो ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ऐसे ही ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ पे इनके पास में एक एक लॉन पेयर प्रेजेंट, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे फास्फोरस जो है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस फास्फोरस पे करेगा, कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, तो मतलब हाइड्रोलाइसिस भी होगा, sp3d का ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा, तो मैं P4O6 काम में ले सकता हूँ। यहीं पे अगर मुझे ये दे दिया जाए P4O10 तो अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, अभी भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्योंकि फास्फोरस के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये भी मेरे पास में काम में आ सकता है। SCF6 हाइड्रोलाइसिस तो हो जाएगा लेकिन हाल फिलहाल वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, वो कैसा होगा, वो d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो मैं ये काम में मतलब ट्रांजिशन स्टेट जैसी मुझे डिजायर्ड है वो नहीं बन पाएगी। तो कितनों में बन रही है, 5 में बन रही है sp3d की हाइब्रिडाइजेशन और उनका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन निम्नलिखित अभिक्रिया के संदर्भ में। Br2CCl4 सबसे पहले मुझे दे रखा है, देखो क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इधर ब्रोमीन बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन बनेगा, उसके बाद में मुझे NaNH2 दे रखा है, एल्काइन बना देंगे हम लोग, NaNH2 के साथ में हीटिंग दे रखा है तो मैं एल्काइन बना दूंगा, एल्काइन बनाऊंगा तो ये मेरे पास में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, HBr को मैंने बाहर निकाल दिया। आगे HgSO4 H2SO4 दे रखा है, HgSO4 और H2SO4 इधर कार्बोनिल बना देंगे, कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है इसका, क्यूचेरॉन रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग इसको, ये हम लोगों ने कीटोन बना दिया। अब NaOD-D2, देखो भैया सिंपल सा टॉटोमराइजेशन के लिए कितने हाइड्रोजन काम में आ सकते हैं, यहाँ पे 3 इधर है, 1 यहाँ पे है, तो जो कंपाउंड बनाऊंगा वो क्या बना सकता हूँ मैं, इधर CO, इधर CD3, 3 हाइड्रोजन है, तीनों इनोलाइज हो सकते हैं, 1 यहाँ से इनोलाइज हो सकता है, तो कितने ड्यूटेरियम आ सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, 4 आ सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट देखिए हम लोग, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में टेस्ट कौन देता है, एक तो वो देते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, दूसरा हेमी एसिटल टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो भी रिएक्शन देते हैं, मतलब ये एल्डिहाइड है बिल्कुल टॉलरेंस रिएजेंट के साथ दे देगा, एल्डिहाइड है दे देगा, कीटोन नहीं देगा, ये जो एल्कीन है नहीं देगा, ये नहीं देगा क्योंकि ये हमारे पास में एसिटल है, हेमी एसिटल नहीं है, यहाँ पे मुझे OH चाहिए होता है, जैसे कि ये दे रखा है, होता क्या है कि बेसिक टॉलरेंस रिएजेंट बेसिक मीडियम का होता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज आएगा ये इधर और ये यहाँ पे, तो कार्बोनिल मेरे पास में यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, कार्बोनिल क्या कह दूं सिंपल सा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, और ये जो है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो इनका कभी भी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में नहीं हो सकता, केवल इनका हो सकता है बेसिक मीडियम में, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट देता है, मतलब ये काम में आ जाएगा, ये भी मेरे पास में काम में आ जाएगा, फिनॉल नहीं आएगा, ये वापस से हेमी एसिडल में काम में आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर वो क्यों नहीं काम में आ रहा, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं भी बेसिक मीडियम में तो ये O- जो आया वो यहाँ पे इसको हम लोगों ने इधर निकाल दिया, तोड़ दिया उस बॉन्ड को, तो मेरे पास में कीटोन बन रहा है, उधर मेरे पास में कीटोन बन रहा है, जो मुझे डिजायर्ड एल्डिहाइड चाहिए वो नहीं बनेगा,
तो कितने देंगे यहाँ पे रिएक्शन, 1, 2 एंड 3, 4, 5 आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 0, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ये सारा फिजिकल का है, टीसी गुप्ता सर आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। भैया ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, आप इसको ढंग से देखो। जय श्री राम जी। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं पेपर टू सॉल्यूशन। तो फिजिकल की बात करें तो सेक्शन ए में स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से, और हम जानते हैं कि सेक्शन ए में क्या है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। द मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हेप्टेन गिवन है -4853.4 किलो जूल पर मोल। गिवन द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिवन है, एंड द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर H2O लिक्विड की गिवन है, ये डेटा गिवन है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्टेन है, हेप्टेन का हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HM नोट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक बेटा, हिंदी में बात करें तो हेप्टेन की दहन की मोलर एंथैल्पी है, CO2 H2O के निर्माण की मोलर एंथैल्पी है, वो निकालना है हमें हेप्टेन की संभावन मानक मोलर एंथैल्पी। तो देखो अपने पास जो डेटा है वो हेप्टेन का कंबस्टन है, तो हेप्टेन के कंबस्टन की रिएक्शन हम लिखे, तो हेप्टेन का फॉर्मूला हो रहा है C17H16। ठीक है, गैस कंबस्टन के लिए क्या चाहिए, O2। इससे क्या बनेगा, कंबस्टन में ऑलवेज क्या होता है, कंबस्टन के जो प्रोडक्ट है ऑलवेज क्या होते हैं, CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। क्लियर बेटा, अब बैलेंस करें इसको, तो C के 7 एटम है ना कार्बन के, तो 7 CO2 बैलेंस कर लें इसको, H16 है तो 8 क्या हो गया H2O, ओके काउंट करें तो 7 × 2 = 14, 14 + 8 कितना हो गया 22, यानी 11 O2 आ जाएगा। क्लियर बेटा, और कंबस्टन की जो एंथैल्पी है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी की वैल्यू है अपने पास -4853.4 किलो जूल पर। क्लियर, बाकी डेटा क्या हमने पास, CO2 का फॉर्मेशन है, H2O का फॉर्मेशन है, ठीक है, और C7H16 हेप्टेन का फॉर्मेशन की एंथैल्पी में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डेल्टा HF नोट हेप्टेन का मान ज्ञात करो। ठीक है, इट मींस क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा HF नोट ऑफ हेप्टेन की वैल्यू में निकालनी है, O2 की हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, CO2 की पर मोल है -393.5 किलो जूल पर मोल, वन मोल की है बेटा, H2O की है -285.9, तो -285.9, और रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू है -4853 इक्वल टू, देखो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो उत्पाद की कितनी है, -7 × 393.5। ओके बेटा, वाटर के 8 मॉलिक्यूल है, तो -8 × वैल्यू है 285.9, भाई वैल्यू नेगेटिव है ना, तो 7 × दिस प्लस 8 × दिस। ओके बेटा,
तो ये हो गई रिएक्टेंट, सॉरी क्या हो गई प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन। माइनस क्या करेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ हेप्टेन। ओके बेटा, अब देखो सिंपल थी, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी आपको ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है, और ये इस साइड आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ हेप्टेन इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव कर दें 4853 माइनस 7 इंटू 393.5 माइनस 8 इंटू 285.9। और जब आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा माइनस 188.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वॉल्यूम ऑफ H2O नीडेड टू डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, मोलर मास है 233 ग्राम, 825 डिग्री सेल्सियस KSP आपको गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 ग्राम BaSO4 को घुलनशील होने के लिए कितने आयतन H2O की आवश्यकता होगी। ठीक है, मोलर मास है 233 ग्राम। अब बात करो मोलर मास ऑलवेज ग्राम में होता है, ठीक है, KSP आपके पास है तो KSP की वैल्यू है 1.1 इंटू 10^-10। ठीक है, और ये AB टाइप का है, जो BaSO4 सॉल्ट है वो AB टाइप का है क्योंकि बेरियम प्लस 2 सल्फेट SO4- में डिसोसिएट होगा, और AB टाइप के लिए जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या होती है S2। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी रूट KSP, क्या हो जाएगी रूट KSP। क्लियर, तो रूट में क्या हो जाएगा रूट 1.1 इंटू 10^-10। अब बेटा ध्यान देना मोर देन 1 का रूट मोर देन 1 ही आएगा। ठीक है, और अपने पास जो ऑप्शन है उसमें 820, 205, 450, 920 सफिशियंट डिफरेंस है, तो जब ऑप्शन में सफिशियंट डिफरेंस है तो आप एग्जैक्टली रूट निकालने मत बैठना कभी भी एग्जाम में, क्या हो आपका टाइम क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम में करना क्या होता हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या 1 ले लेते हैं 1 point something। ठीक है, इनटू क्या होगा 10^-5। ये आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी यानी मोलरिटी आ गई बात करें तो, और मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ BaSO4। मोल्स कितने हैं वेट इन ग्राम 1/ मोलर मास 233। कोई दिक्कत बेटा, मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी लीटर में क्या हो जाएगा 10^-5 है, यहां क्या होगा प्लस 5 हो जाएगा क्या, तो 10^+5 यानी 1000 कर लूं बेटा और 100 और कर लेता हूं ताकि हम क्या करें अपॉन क्या रहेगा 238 क्या रहेगा 230। या वापस एक बार लिख देता हूं 10^5 है तो 1000 अलग कर लें 100 अलग कर लें, डिवाइड करना है किससे 233 से डिवाइड करना है। क्लियर, अब 233 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेट 4 टाइम आएगा क्या, और 4 × 100 यानी 400 के आसपास ऑप्शन देखना है, तो 400 के आसपास ऑप्शन एक ही अपना 450। अगर ऐसे ऑप्शन 2 होते तो हम क्या करते पूरा हमें एक्चुअल इसका रूट करना पड़ता, बट एग्जाम में कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा आता नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना 450 लीटर। क्लियर बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है आपके जो मोर वन और मोर देन वन यानी आपके मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, वन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, तो इसमें देखे तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करना है। पहला है लो प्रेशर इज फेवरेबल फॉर
इवेपोरेशन ऑफ H2O लिक्विड। H2O लिक्विड है, वेपोरेशन होगा यानी H2O गैस बनेगा, ठीक। न्यून दाब इसके लिए उपयुक्त होता है। देखो तो ली चेटलियर प्रिंसिपल ला सातलियर सिद्धांत क्या कहता है कि अगर प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन उस ओर डाइवर्ट होगी जिधर क्या हो गैस के मूल ज्यादा हो, और गैस के मूल ज्यादा किधर है, उत्पाद में एक है, क्रियाकारक में जीरो, तो ज्यादा किसमें उत्पाद में है, तो किधर जाएगी फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड भेजना में उपयुक्त, मीन्स फॉरवर्ड के लिए बात होता है, हमेशा क्या होती है फॉरवर्ड के लिए बात होती है। तो आपका अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर प्रिंसिपल स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। सेकेंड देखें, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इसके लिए क्या रिएक्शन होगी, CaCO3 सॉलिड गिव्स टू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये होगी। अब यहां पे भी क्या लगाएंगे, वो ली चेटलियर प्रिंसिपल लगाएंगे कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉरी विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करना है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन किधर जाएगी, जरा गैस के मोल कम होंगे, तो मोल कम रिएक्टेंट में गैस के मोल है ही नहीं तो बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो इसका अल्फा क्या होगा, कम होगा, और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, डिक्रीज, वियोजन की मात्रा घटती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। बात करें थर्ड की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 25, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 0.2, चेक करें इसको। तो देखो यहां पे 2AB है, यहां पे AB है, AB वहां पे प्रोडक्ट है, यहां रिएक्टेंट है, मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्शन को इन्वर्स करते हैं तो KB क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है 1/2, और यहां 2AB है, यहां AB यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, हाफ से, इट मींस रिवर्स भी करना है और हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर किस में जाएगी, पावर में, यानी बात करें तो 1/√25, क्या हो गया ये 1/√25 यानी 1/5, और 1/5 बोले तो 0.2 आना चाहिए, और ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 0.2 होता है, इट मींस ये भी क्या है, करेक्ट है बेटा, ठीक है। 4, इफ सॉलिड प्रोडक्ट इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम इज अनएफ, बिल्कुल सही बात है ये कि जब भी मिश्रण में क्या करते हैं ठोस मिलाते हैं तो साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज एक्टिव मास ऑलवेज क्या मानते हैं, उसका 1 मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल आर करेक्ट, 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 6 क्या कहता है, 6 पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन की पहचान करो। पहला है, बोथ सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर है पैरामीटर्स ABC, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। देखो सरल गणनी है या फलक केंद्रीय, एक्चुअल में है तो क्यूब ना, और क्यूबिकल यूनिट में क्या होता है, क्यूब की तीनों जो एज है वो इक्वल होती है, A इक्वल टू B इक्वल टू C होता ही होता है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना होता है, 90 होता है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। सेकेंड बात करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन FCC इज 4। अब FCC में पार्टिकल कहां-कहां होते हैं, FCC में पार्टिकल होते हैं कहां पे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या आता है, कॉर्नर पे कितना पार्ट होता है, 1/8 पार्ट होता है क्या, वो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो ये तो आ गया अपने कॉर्नर वाले। और जो फेस के सेंटर पे होगा, पार्टिकल होते कहां है, फेस के सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे, फलक के केंद्र पे और कोनों पर, तो फलक के केंद्र पे जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, 2 में शेयर हो गया, यानी 1 पे कितना पार्ट आएगा, 1/2 आएगा, जैसे कॉर्नर 1/8 पार्ट आता है, और टोटल फेस कितनी है, 6 है, तो 1/2 पार्ट इंटू 6, यहाँ पार्टिकल हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1 = 4 हो गए, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल ऑफ 90 के में 2 ही एंगल है, ये बताना है। तो देखो हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 और गामा होता है कितना, 120, तो हेक्सागोनल अप्लाई हो रहा है 2 एंगल 90 के। और बात करें मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90
एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90. इट मीन्स यहां भी क्या है, दो एंगल 90 के हैं और यहां भी दो एंगल 90 के, और यही कह रहा है ओनली टू क्रिस्टलोग्राफिक एंगल 90 के हैं. ठीक है, नब्बे के जो एंगल है केवल दो ही हैं. इट मीन्स आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड भी करेक्ट है. फोर्थ बात करें, क्यूबिकल और रोम्बोइडल आर टू क्रिस्टल्स. बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है. तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी करेक्ट है. इसका भी आंसर क्या हो गया, ऑल आर करेक्ट, 1, 2, 3, 4. क्लियर. अब बात करते हैं सेक्शन डी. इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीजर टाइप है. ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, यू हैव टू सॉल्व. तो इसमें हम देखें, स्टार्ट करें फिजिकल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 1.5 आवर्स. टी हाफ या टी 50% है, 1.5 आवर्स. द मास ऑफ इट दैट रिमेंस अनडिकेट आफ्टर 6 आवर्स. 6 आवर्स के बाद सीटी आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 6 आवर. क्लियर. एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका अर्धायुकाल 1.5 घंटे हैं और 6 घंटे बाद कितना अन्य अपघटित यानी कितना शेष द्रव्यमान है. क्लियर. तो देखो, जब भी हाफ लाइफ दे रखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा फिगर लगाना है कि सीटी इक्वल टू जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल अपॉन 2 की पावर n. यहाँ क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ. क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ. तो एक बार चेक करें, हो जाएगा क्या, अगर इंटीजर आता है 2 की पावर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी तो हम सोल्व कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, देखो टोटल टाइम कितना है 6 है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ डिवाइड कर दें तो यार 4. क्लियर. इट मीन सीटी की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या आ गई, सी नोट इनिशियल कितना है, 32 ग्राम. कितना है इनिशियल, 32 ग्राम, अपॉन 2 की पावर क्या करना है, एन की वैल्यू क्या है, 4. तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, इसका 2 आंसर आ गया. क्लियर बेटा. नेक्स्ट बात करते हैं, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच रेट बिकम हाफ इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डबल. वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और रेट भी क्या हो रही है, हाफ हो रही है. वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, रेट हाफ हो रही है. हिंदी में बात करें, उस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो जिसकी दर क्रियाकारक की समान मात्रा रखने वाले पात्र का आयतन दुगना करने पर आधी हो जाती है. तो हम सिंपल सी रिएक्शन मान लेते हैं, रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट. ठीक है, तो आर इक्वल टू मान लेते हैं रेट, रेट कॉन्स्टेंट इंटू रिएक्टेंट की पावर, ऑर्डर मान लेते हैं अल्फा. अल्टीमेटली हमें क्या करना है, कैलकुलेट अल्फा निकालना है. ठीक, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया. ठीक है, अब देखो यहां अप्लाई कर देते हैं, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हैविंग सेम अमाउंट यानी मोल सेम है और वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट है, वो क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम डबल करेंगे तो मोलरिटी क्या हो गई, देखो पहले वाली की क्या हो गई, हाफ हो गई क्या. क्लियर बेटा, तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई, यानी आर की जगह आर बाई 2 की पावर अल्फा आ जाएगा. और रेट क्या होती है इस केस में, रेट बिकम हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, हाफ हो रही, यानी आर पहले आर थी तब क्या हो गई, आर बाई 2 हो गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम देखो सिंपली क्या कर देंगे, रिएक्शन 1 को या इक्वेशन 1 को सॉरी 2 से डिवाइड कर दें, तो दिस अपॉन दिस क्या आएगा, 2 आएगा क्या, और दिस अपॉन दिस क्या आएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर अल्फा से आर की पावर अल्फा कैंसिल हो गया, और 2 की पावर अल्फा इसके सामने जाएगा. अब देखो 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है ना, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी. इट मींस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1. इट मींस फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 आएगा. तो इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन यहाँ फिनिश होता है. थैंक यू बेटा, जय सी एल सी.